जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहां है वहीं का मजा लेते हैं। इस जिंदगी की भाग दौड़ में इतना तो हमने पाना भी नहीं है जितना हम खो रहे हैं। बीतता वक्त जा रहा है, खर्च हम हो रहे हैं। तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से? मन, मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 तक बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। शह, ऐसी किसी पीटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ मैं। मैं भागना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। खैर, नैना तो यहाँ कोई है नहीं, मैं हूँ, आप हो। कोंसकर वैली की ये वादियाँ है, मनाली है। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल टेकोबित अंकित में। होप यू गाइस आर गुड एंड वेलकम फ्रॉम मनाली। स्नोफॉल देखने की जुनूनियत मुझे यहाँ पे ले आई है और 26 तारीख को यहाँ स्नोफॉल हुई भी थी एक्चुअली। आप ऊपर हिल पे नीचे वैली में देख सकते हो, मैं अभी स्नो पे ही बैठ कर शूटिंग कर रहा हूँ। आपको करना है प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा मनाली इसमें कवर होगा। अटल टनल, हिडिम्बा देवी, मॉल रोड, ऑल थिंग। आपको प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर लो भाई। -10-15 की टेम्परेचर है और मैं बिना ग्लव्स के कर रहा हूँ यहाँ रिकॉर्डिंग। बहुत मेहनत करते ट्रैवल ब्लॉगर्स यार, मेहनत को समझो। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि और कौन सी जगह की आप आगे वीडियो देखना चाहते हो। फिलहाल इस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्नो पे जाने से पहले खुद को कवर करना जरूरी होता है बिकॉज ऊपर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अभी हम लोग लगभग 1.5-2 किलोमीटर नीचे हैं और अभी हमने अपना पूरा ये ड्रेस पहन लिया है जिसमें रबर के शूज़ हैं और ये डांगरी कहते हैं इस ड्रेस को, जो कि स्नो में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और ये वाटरप्रूफ भी है। तो स्नो अगर पिघलता है तो आपका ड्रेस गीला नहीं होगा और आप ठंड से ही बचे रहोगे। थोड़ा सा अजीब तो लग रहा हूँ लेकिन ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस एक अब ग्लासेस खरीदने बिकॉज धूप सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हार्नेस वगैरह लगा लिया है और अभी हम जा रहे हैं जिप लाइनिंग करने। और एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत रोमांच होता है, मतलब आपकी हार्ट बीट आप सुन सकते हो। और अभी लाइन पे लगा हुआ हूँ, अभी जिप लाइनिंग करूँगा मैं। चलिए वहाँ से दिखाता हूँ आपको कितना मजा आ रहा है। और ये मैं जिप लाइनिंग स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। Come on! बाईस साल का हो गया हूँ, अभी तक सिर्फ वाई से याक पढ़ा था, आज मनाली आकर पहली बार देख भी रहा हूँ। और लिटरली ये लोग देखने में थोड़े से खुखार लगते हैं लेकिन है बड़े शांत जानवर। मैं इनके साथ थोड़ी देर से खड़ा हूँ, देख रहा हूँ ये ना मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही मुझे ऐसे अपने सींगों का उपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा भाई, फालतू पहली बार देखा आखिरी बार ना हो जाए मेरा। गाइस अभी हम लोग अटल टनल पार करके आ गए हैं वादियों के बीच में। यहाँ पे स्नो के पास स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज जो अपनी है, स्नो ट्यूब एंड स्कीइंग करने। और पूरा गेटअप हम लोग आप देख ही रहे हो, स्नो वाले कपड़े पूरे पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं, ग्लव्स हमने ले लिया है, स्कीइंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। तो अभी चलेंगे हम लोग स्कीइंग करेंगे, कुछ मीटर्स की ट्रैक है वो करने के बाद फिर हमारा एक्टिविटी होगा।
तो अभी हम आ गए कोक्सर वैली अपना स्नो रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसको करने। अभी हम लोग करेंगे ये पीछे जो हमारे हो रही है स्नो ट्यूब, उसके बाद हम लोग वहाँ स्कीइंग करने जाएंगे। और बर्फ का जितना उम्मीद था उतना तो बर्फ नहीं पड़ा है, अगर 26 को आए होते तो काफ़ी भारी स्नोफॉल हुई थी देखने को मिलती, बट जो मिला काफ़ी है, बहुत अच्छा है। आप नज़ारा देख सकते हो, मेरे ऊपर हिल्स पे स्नो है काफ़ी सारे और यहाँ पे फ्रोजन आइस है, ब्लैक आइस, तो उसी में हम लोग कुछ एक्टिविटी करना है करेंगे। अभी मैंने अपना स्नो ट्यूब वाला एक्टिविटी कंप्लीट किया, छोटा है बट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फिक्शन एकदम नहीं है, ट्यूब जो है सो स्नो पे बहुत स्लाइटली स्लाइड कर रहा है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि ड्यूरेशन कम है तो आपको उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग वीडियोस बनाने के शौकीन है, जिन रील्स वगैरह के, ब्लॉग वगैरह के, तो उनके लिए एक अच्छा मटेरियल है। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया भाई, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हल्का हल्का स्नोफॉल वहाँ ऊपर पहाड़ियों से आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बट कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, अभी तो सफर शुरू हुई है, अभी तो हमें बहुत आगे तक चलना है। स्ट्रिक्टली मना किया गया था इस पॉइंट पे आने को, बिकॉज आप नीचे देखो और ये पूरा बर्फ है। आई डोंट नो हाउ टू ट्रैक डाउन, मुझे नहीं पता कैसे मैं नीचे जाऊंगा, बट एक पागलपन, एक जुनूनियत था जो यहाँ तक, मैं यहाँ पे आने का रास्ता भी नहीं, आप देख सकते हो ये चट्टान वगैरह पकड़ के मैं ऊपर आ गया हूँ। भाई हाइजीन, आरओ और बिस्लेरी का पानी, मैंने मुझे नहीं पता घर पे होता होगा, अभी मैं यहाँ आया हूँ वादियों में और स्नोफॉल हुआ हुआ है, तो स्नो तो मैं जरूर टेस्ट करूंगा। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ज्ञान देंगे कि नहीं खाना चाहिए, अनहाइजेनिक है, फिर ठीक है भाई, अब बता, फेस वॉश भी नहीं करना चाहिए। भाई ने पीछे से बोला मेरे, जिनने समझा समझ लिया, फिलहाल इससे ज्यादा टेस्टी कुछ नहीं है। जिनको समझना, मौत की उम्र क्या, एक पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूद से क्यों डरूं। इन पंक्तियों से जैसे सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी आज तक हमारे बीच जीवित हैं, वैसे ये पीछे अटल टनल जो आप देख रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की तरह विशाल 10,000 फीट की ऊंचाई पे ये 9 किलोमीटर लंबा टनल जो कि मनाली को लाहौल से जोड़ता है। ग्लैड, आई एम ग्लैड टू बी हियर, और ये स्नोफॉल विद दिस अटल टनल मेस्मराइजिंग मूवमेंट। तो गाइस जिस चीज को देखने के लिए हम लोग मनाली आए थे, शुरू के 3 दिन हमें दिखा नहीं, बट जाते जाते फाइनली वी आर लकी, स्नोफॉल हो गई है, और इतना ज्यादा स्नोफॉल हुआ है कि इन भैया ने इसे एक बहुत स्पेशल डे की तरह सेलिब्रेट किया। क्या बोला था भैया आपने? हैप्पी मनाली, हैप्पी मनाली। और आप देख सकते हो यहाँ पे स्नो वगैरह गिरना स्टार्ट हो गया है, और सिर्फ ये स्नो के कारण पूरे वादी का जो टेक्सचर वो पूरा बदल गया है। अभी आए थे तो ये पहाड़े थी नॉर्मल, यहाँ पे पेड़ पौधे घास वगैरह थे, लेकिन जब बर्फ की चादर इस पे चढ़ी है ना, तो ये जो खूबसूरती निखर के आई है गाइस, मैं क्या ही बताऊं, दिल जीत लिया। एंड आफ्टर ऑल लास्ट तक लकी तो हम लोग हो ही गए। हैप्पी मनाली। आप लाख किसी चीज को भी सुंदर कह ले, लेकिन नेचर से ज़्यादा खूबसूरत और नेचर से ज़्यादा ब्लिसफुल कुछ नहीं हो सकता है। और अभी जब कोस्कर से मैं लौट रहा था, ये चीज़ का मैंने लाइव एग्जांपल देखा है, स्नोफॉल जब हुई तो यही जो पहाड़ थे जो कि पहले भी खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जब बर्फ की चादर इस पर चढ़ी तो इसकी खूबसूरती में निखार आ गया, चार चांद आ गया।
और जब ये रुकेगा उसके बाद जो यहाँ मनाली का माहौल रहेगा वो गाइस देखने लायक होगा। तो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूं मनाली के मॉल रोड। मॉल रोड यहां का मेन मार्केट है और मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। सुबह तक सब कुछ ठीक था, मौसम भी अच्छी थी, अभी है कि ठंड भी बढ़ गई है और बारिश भी होने लगी है। ऊपर जब भी हम लोग अटल टनल के पास थे तो स्नोफॉल शुरू हो गई थी। स्नोफॉल देखने में तो बहुत मज़ा आया लेकिन जब ठंड बढ़ी तो फिर हमें पता चला कि नहीं, थिंग्स आर डिफ़िकल्ट। सो अभी आ गए हैं मॉल रोड पर, कुछ खाएंगे पियेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे घर वालों के लिए और फिर देखेंगे क्या करना है। तो चलिए मॉल रोड को एक्सप्लोर करते हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में घूमते घूमते पता नहीं 4 दिन कैसे बीत गए और अब जाने का वक्त हो गया। मॉल रोड एक्सप्लोर किया हमने, यहाँ की ट्रेडिशनल डिश भी खाई, अच्छी थी काफ़ी, और बहुत कुछ समेट के लेके जा रहा हूँ इस ट्रिप से मैं, बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ इस ट्रिप से मैं। आशा करता हूँ कि फिर से कहीं भी मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आऊँ, अपने जिगड़ी लोगों के साथ आऊँ और फिर से यहाँ से कुछ नया सीख के कुछ नया कमा के जाऊँ। फिलहाल आप लोग से यही उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले ऐसी ही वीडियोस के लिए टेक ऑफ विद अंकित के साथ बने रहेंगे। हर हर महादेव।